फिरोजाबाद के नए जिलाधिकारी बने डॉक्टर उज्जवल कुमार। आईएएस रवि रंजन को फिरोजाबाद जिलाधिकारी पद से हटाया गया। बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें गोंडा के डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार को गोंडा के डीएम पद से हटाकर फिरोजाबाद के डीएम पद पर नियुक्त किया गया। अब जानते हैं कि डॉक्टर उज्जवल कुमार आईएएस किस बैच के हैं और उन्होंने आईएएस रहते हुए अपनी सेवाएं कहां कहां दी हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि उज्जवल कुमार की शैक्षणिक योग्यता क्या है और वह कहां से आते हैं। नवागत जिलाधिकारी उज्जवल कुमार वर्ष 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह झारखंड के चतरा के रहने वाले हैं। उज्जवल कुमार का जन्म 24 मई 1984 को हुआ था। डॉक्टर कुमार के पास वेटनरी साइंस में मास्टर डिग्री है। 2012 में आईएएस बनने के बाद एटा में जिला प्रशिक्षण पूरा किया। मुजफ्फरनगर में एसडीएम रहे। इसके बाद मैनपुरी और मुरादाबाद में मुख्य विकास अधिकारी भी रहे। योगी सरकार द्वारा मथुरा को पहला आईएएस नगर निगम का नगर आयुक्त बनने का भी सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। बाद में उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिली। कुंभ आयोजन से पहले नवम्बर 2018 में प्रयागराज में नगर आयुक्त के रूप में इन्हें भेजा गया। उज्जवल कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी परियोजना को साकार करने और कुंभ के लिए भेजा था। उन्होंने जनवरी में कुंभ मेले का आयोजन बखूबी करवाया, यहां आने वाले भक्तों को अच्छा माहौल दिया, अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा करने का काम किया। कुंभ मेले के दौरान नगर आयुक्त उज्जवल कुमार ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया और पूरे शहर में स्वच्छता की सराहना होती रही। अगस्त 2019 में प्रयागराज का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। इसके बाद महाराजगंज का डीएम बनाया गया। यहां लगातार 2 वर्ष तक उज्जवल कुमार रहे। उसके बाद अक्टूबर 2021 में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का प्रबंध निदेशक एवं विशेष सचिव बनाया गया। अब डॉक्टर उज्जवल कुमार का फिलहाल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के जिलाधिकारी पद से तबादला करके उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिलाधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है और इसके साथ ही उन्हें जिले को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जल्द ही जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार फिरोजाबाद में आगमन कर अपना पदभार संभालेंगे।